Hey guys, I am Alexander. Welcome back again with new video. तो आज भी हम लोग खेलने वाले हैं Minecraft एंड ये हमारा Minecraft का दूसरा सीरीज है। अगर आप लोगों ने पहला सीरीज नहीं देखा तो जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने पहले सीरीज में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। बट आज के वीडियो को जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें एक अच्छी खासी विलेज की तलाश करनी है जिसके आसपास मैं घर बनाऊंगा, वो भी कोबल स्टोन का। और विलेज के आसपास घर बनाने से हमें दो तरह के फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हमें विलेज से अच्छी खासी लूट मिल जाएगी और दूसरा फायदा ये है कि हम विलेजर से अच्छी खासी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चलते हैं विलेज की तलाश में। पहले यहाँ पर रात हो रही है तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ ताकि मैं नाइट स्किप कर सकूँ। और ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है और मैंने इस डॉग को भी टेम किया था ताकि मेरे पास दो हड्डियाँ थी तो मैं इसे खिलाकर मैं अपने डॉग को यहाँ पर टेम किया था। तो इसे मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। और मैंने बहुत सारा माइनिंग करके, पहले तो मैंने कोबल स्टोन बहुत सारा ये कर लिया अपने लिए, मतलब कलेक्ट कर लिया। और मैंने बहुत सारा पेड़ काट रहा जिससे मैंने बहुत सारा प्लैंक्स बना लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना फर्नेस उठा लेता हूँ। और ओके, तो मैं यहाँ पर से अपना फर्नेस उठा लेता हूँ। अच्छा, मेरी इन्वेंट्री पूरी फुल हो चुकी है, क्या फेंकूँ मैं? आई थिंक ये चिकन फेंक देता हूँ मैं, नहीं नहीं एप्पल फेंक देता हूँ, छोड़ो एप्पल। तो मैंने यहाँ से फर्नेस उठा लिया है और बेड भी मैं उठा लेता हूँ। पहले इसे ये कर देता हूँ, भाई हट जा। ओके, तो यहाँ पर यार मेरी पूरी जगह इन्वेंट्री फुल है। ओके, तो मैं इसे फेंक देता हूँ और मैं एक मिनट तो बेड को मैं नीचे लगा लेता हूँ ताकि ओके। तो मैंने यहाँ पर एक बोट भी अपने लिए बना लिया है और मैं अब चलते हैं हम लोग एक अच्छी खासी विलेज की, विलेज का मैं तलाश करूँगा, उसके आसपास मैं घर बनाने वाला हूँ। अरे यार, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोट रख लेता हूँ। तू भी बैठेगा क्या? बैठ जा। हाँ ओके, चलो बैठा है ना। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले। अरे यार मैं उतर गया भाई, बैठ जा। हाँ चलो, तो चलते हैं आसपास, देखते हैं कोई अच्छी खासी विलेज मिल जाएगी तो सही, अच्छी बात रहेगी ताकि मैं उसके आसपास अच्छा खासा मैं घर बना सकूं। उस घर को तो मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ा क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड थे। तो मैं सोचा कि छोटा सा आइलैंड में क्या मतलब, अगर मतलब विलेज के आसपास अगर मैं घर बनाऊँगा तो मैं अच्छी खासी ट्रेडिंग भी कर सकूँगा विलेजर्स के साथ, तो वही मैं सोचा। तो यहाँ पर देखता हूँ कोई विलेज मिल जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। अरे यार, तो यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ, एक बार देखता हूँ। बोट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके चलो, यहाँ से मैं उतर चलते हैं ऊपर, देखते हैं कोई अगर विलेज अच्छी खासी मिल जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। और नाइट होने से पहले मुझे एक अच्छा खासा विलेज तो ढूंढना पड़ेगा यार। अच्छा, ये डॉग, हमारा डॉग भी आ गया। चलो, मेरी हंगर बार जा रही है तो मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। आई थिंक यहाँ मुझे एक अच्छी खासी विलेज मिल जाए यार, मिल जाए मेरे ख्याल से यहाँ पर एक विलेज तो। अच्छा वो देखो, ऊपर विलेज मिल गई हमें वो। चलो ऊपर एक तो विलेज तो मिली अच्छी खासी, चलो नाइट होने से पहले ही मिल गई, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर अपने लिए एक घर बना सकूँगा, तो मैं चलता हूँ सबसे पहले ऊपर। यहाँ बहुत बड़ी विलेज है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर अपना घर बनाने का। तो पहले मैं घर बनाना स्टार्ट करता हूँ ताकि ना, ये रात होने वाली है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से मैं, यहाँ पर मैं घर बनाना स्टार्ट करूँगा। आई थिंक मेरे ख्याल से कौन सी जगह मुझे यहाँ पर अच्छी रहेगी घर बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा विलेज है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपना घर बनाने का। तो पहले सब मैं यहाँ पर सफ़ा कर लेता हूँ, ये सब घास वूस हटा देता हूँ। आई थिंक ये जगह सही रहेगी, तो मैं यहाँ से कुछ डर्ट के ब्लॉक से ये मतलब जगह को बड़ा कर लूँगा ताकि ये देखने में थोड़ी अच्छी लगे। सबसे पहले मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, ये सबको मैं हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ी अच्छी लगे देखने में। और मेरा डॉग यहाँ पर मैं इसे बैठा देता हूँ सिर्फ, चलो यहाँ बैठ गया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, मेरे आगे पीछे ना घूमे। ये सब मैं हटा देता हूँ। आगे मैं घर बना लेता हूँ यहाँ से, तो मैं डर्ट ब्लॉक यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने, आई थिंक मेरे पास यहाँ डर्ट ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा ये एक्सटेंड करता हूँ ये जगह को।
और थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इसे, बड़ा मतलब जगह देखने में थोड़ा, मैं घर थोड़ा ये बड़ा बनाऊँगा। वो वुड का मैंने घर बनाया था, उतना खास तो था नहीं, मैंने वो भी फर्स्ट नाइट सर्वाइव करने के लिए मैंने बनाया था, तो इसे मैं थोड़ा अच्छा बनाऊँगा। ओके, तो हमारी जगह तो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कोबल स्टोन को मैं नीचे ये अपनी इन्वेंट्री के निकालता हूँ, अब यहाँ से ये करना चालू करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कोबल स्टोन निकाल चुका हूँ। आई थिंक मेरे गेट इस तरफ रखूँगा। ओके, चलो मैं देखता हूँ कैसे मैं करता हूँ, बनाता हूँ इससे। ये ट्रेडर से भी, मतलब विलेजर से भी बाद में ट्रेड करूँगा, मैं देखता हूँ। तो यहाँ से मैं बाउंड्री आगे बना लेता हूँ, देखता हूँ फिर। ओके, तो हमारी पिलर खड़ा हो गई है, वहाँ पर कुछ ये है, एक दो ये लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ऑलमोस्ट चारों तरफ से मेरी ये तो बन चुकी है, वॉल तो बन चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं गेट किस तरह बनाऊँ। आई थिंक मेरे ख्याल से ये जगह सही रहेगी, तो मैं यहाँ पर गेट बना लेता हूँ। आई थिंक देख लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ से एक ये बना देता हूँ गेट। ओके, 1 2 3 4 5, तो किस तरह बनाऊँ मैं यार, इसी तरह बना लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ से बना लिया। आई थिंक मेरे पास डोर थी, तो देख लेता हूँ मैं, एक ही डोर है, तो मैं पहले क्राफ्टिंग टेबल से डोर बना लेता हूँ। एक डोर, चलो मैं डोर, तीन डोर मैंने तीन बना लिया है, तो मैं यहाँ पर डोर लगा देता हूँ पहले, ताकि हमारे घर में कोई जा ना पाए। लग जा यार, ये उल्टा लग गया क्या? नहीं नहीं सीधा लगाया। चलो चलो, ये तो हमारी बन गई। और मैं यहाँ से कुछ ये सीढ़ियाँ बना लेता हूँ, प्लैंक्स वगैरह, जैसे ये हो गया। ओके, तो मैंने चार बना लिए। ओके, चार ही की मुझे दरकार है, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसे, और मैं अंदर से भी लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया मैंने। और मैं बेड को उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से बेड उठाया मैंने, अंदर लगा देता हूँ। और अंदर लगा के मैं यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँगा यहीं पर। अच्छा, स्लीप नाइट रिस्पॉन पॉइंट सेट, चलो मेरी रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गई है। और मैं क्राफ्टिंग टेबल को भी यहाँ से ये उठा कर अंदर सेट कर देता हूँ। ओके, हमारी क्राफ्टिंग टेबल उठ चुकी है, तो मैं यहाँ पर कोने में लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर। ओके, क्राफ्टिंग टेबल तो हो गई हमारी। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे ऊपर, मैं सोच रहा हूँ ऊपर ग्लासेस लगाने का, और यहाँ से मैं ये करता हूँ आगे खिड़कियाँ बना लेता हूँ। एक यहाँ से तोड़ता हूँ, एक यहाँ से एक, अरे अरे यार ज़्यादा बड़ी बन गई। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी लगेगी देखने में आई थिंक। और मैं कुछ सैंड्स लेके आता हूँ, ताकि मैं अपने लिए ये बना पाऊँ, वो क्या नाम है इसके, अरे ग्लासेस बना पाऊँ। सैंड्स के मैं लेकर आता हूँ, ताकि मैं ग्लास बना पाऊँ। तो मैं यहाँ से सैंड कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि मुझे बहुत सारी सैंड की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट मैंने 3 स्टैक से ज़्यादा कर लिया है, तो मैं छोड़ता हूँ ये सब, मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और मैं चलता हूँ। ओके, मैं अपना घर आ गया हूँ। ये हमारी पक रही है, तो मैं देखता हूँ कि ये मेरी पकी है कि नहीं। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 तो आ चुकी है, तो मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आस्ते आस्ते मैं लगाऊँगा, ताकि ये बर्बाद ना हो। ये थोड़ी अच्छी लुक आ रही है अब। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा घर भी फुल्ली रेडी हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में सोच रहा हूँ कि विलेजर के साथ ट्रेड भी किया जाए, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं थोड़ा माइनिंग के भी लिए जाऊँगा, मतलब जैसे कि आयरन माइनिंग के लिए भी जाऊँगा, ताकि मैं आयरन का अपना कुछ टूल्स बना सकूँ, क्योंकि ये अब स्टोन के टूल से मैं पक चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए आयरन्स के लिए मतलब आयरन्स का टूल बनाया जाए, और आयरन्स का चेस्ट प्लेट हो गया, मतलब आयरन्स का पूरा आर्मर बनाया जाए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट जरूर से कर देना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।